हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है यूपीओवी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड पीपीवी एंड एफआर एक्ट के बारे में। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री की बात करते हैं। जो प्लांट्स की हायर वेराइटीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर फार्मर्स के वर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए या फार्मर्स के वर्क को डेवलप करने के लिए कोई भी जो लॉ था वो नहीं था, कोई भी प्रावधान नहीं था। इसके साथ ही ब्रीडर सीड हो या फिर कोई भी व्यापारिक रूप से विक्रय करने के लिए अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन की बनाई गई वैरायटी को सेल कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए कोई भी उपाय नहीं था। कोई भी जो वैरायटीज़ हैं उनको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दिया गया था। तो इन सब को देखते हुए अक्टूबर 2001 में इंडियन गवर्नमेंट ने सूजेनेसिस प्रणाली के द्वारा प्लांट वैरायटी तथा फार्मर्स राइट्स संरक्षण अधिनियम 2001 लागू किया गया। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपको ध्यान में रखना है कि जो पीपीवी एंड एफआर एक्ट 2001 है वो कौन सी प्रणाली के थ्रू लागू किया गया। तो सूजेनेसिस सिस्टम के द्वारा इंडियन गवर्नमेंट ने जो ये लॉ है ये लागू किया। इस एक्ट के द्वारा रजिस्टर्ड वेराइटी के पैदा करने में, रजिस्टर्ड वेराइटी के सीड्स को बेचने में, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करने के लिए प्लांट ब्रीडर को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रदान की गई। यानी कि अब जो प्लांट वेराइटीज़ हैं उनको भी आईपीआर में कंसीडर किया जाएगा। वो भी एक टाइप की किसी पर्सन विशेष की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है या फिर किसी संस्थान विशेष की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई। अब हम देखते हैं कि पीपीवी एंड एफआर एक्ट 2001 को लागू करने के मेन एम्स क्या थे। फर्स्ट है प्लांट वेराइटीज़ को प्रोटेक्ट करना था, न्यू वेराइटी का डेवलपमेंट करना था और शोध कार्य जो रिसर्च वर्क होता है उसको एनकरेज करना था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रिसर्च वर्क हो जिससे कि नई ज़्यादा अच्छी वेराइटीज़ को डेवलप किया जा सके। इसके अलावा प्लांट ब्रीडर्स व फार्मर्स को उनके कार्यों के उपलक्ष्य में अधिकारों का संरक्षण देना, ताकि अगर कोई फार्मर भी अपनी वेराइटी डेवलप करता है तो उसकी वेराइटी को भी प्रोटेक्शन मिल सके। इसके अलावा पीपीवी एंड एफआर एक्ट का जो एम था वो था प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज का इम्प्रूवमेंट करना, उनका प्रोटेक्शन करना, उनकी अवेलेबिलिटी को बढ़ाना और उनको सस्ता बनाना, जिससे कि उनका और ज़्यादा एक्सटेंशन जो है वो हो सके। इसके अलावा बीज उद्योगों को बढ़ावा देकर प्लांट वेराइटी को उपयुक्त मूल्य पर उपलब्ध करवाना, प्लांट वेराइटीज़ के डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट एंड गवर्नमेंट क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देना, क्योंकि जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उतना ही ज़्यादा वेराइटीज़ का जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा होगा। अब हम बात करते हैं कि पीपीवी एंड एफआर अथॉरिटी क्या है। पीपीवी एंड एफआर एक्ट 2001 को लागू कराने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने नवंबर 2005 को प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी की स्थापना की थी। तो पीपीवी एंड एफआर अथॉरिटी की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 2005 में हुई थी, जिसके अध्यक्ष चीफ एग्जीक्यूटिव, इसके अलावा 15 मेंबर्स जिनमें से 8 एक्स ऑफिसर मेंबर्स होते हैं, 3 मेंबर्स स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, राज्य सरकारों व एक एक सदस्य किसानों, आदिवासी संगठनों, बीज उद्योगों और कृषि क्रियाओं से संबंधित महिला संगठनों से होता है। ये जो अथॉरिटी है इनके जो मेंबर्स होंगे ये सारे मेंबर्स जो हैं वो डिफरेंट पोस्ट से बिलोंग करेंगे, जिसमें स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, किसान, आदिवासी संगठन, बीज उद्योग और कृषि क्रियाओं से संबंधित महिला संगठन जो है वहाँ से सेलेक्ट किए जाएंगे। मेन फंक्शंस क्या हैं इस अथॉरिटी के, तो न्यू प्लांट वेराइटीज़ अनिवार्य रूप से जो डिराइव्ड वेराइटी है और विद्यमान वेराइटी का रजिस्ट्रेशन करना इस अथॉरिटी का मेन फंक्शन है, रजिस्टर्ड वेराइटी के कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट करना और उनका डॉक्यूमेंटेशन करना। इसके अलावा न्यू प्लांट वेराइटी के लिए डस्ट टेस्ट करना, डस्ट टेस्ट मीन्स न्यू प्लांट वेराइटी के डिस्टिंक्टनेस, यूनिफॉर्मिटी एंड स्टेबिलिटी को चेक करना और स्टेबिलिटी के लिए दिशा निर्देशों का विकास करना, प्लांट्स की सभी वेराइटी के लिए अनिवार्य सूची पत्रीकरण को जारी करना, इसके अलावा नेशनल जीन बैंक का मेंटेनेंस करना, आर्थिक रूप से अच्छे प्लांट रिसोर्सेज का प्रिजर्वेशन करना, ये सारे जो हैं ये पीपीवी एंड एफआर अथॉरिटी जिसकी एस्टेब्लिशमेंट 2005 में हुई थी, ये सब इसके प्रमुख कार्य हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट बात करें कि अगर किसी भी फार्मर को या संस्था को पीपीवी एंड एफआर एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उसके लिए नई वेराइटी के रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ता है,
क्राइटेरिया फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू वेराइटी फॉर प्रोटेक्शन अंडर पीपीवी एंड एफआरएफ 2001। कोई भी न्यू वेराइटी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उसमें कुछ प्रॉपर्टीज होनी ज़रूरी हैं, जिनमें से चार प्रॉपर्टीज जो है वो मेजर हैं। फर्स्ट है नोवल्टी। कोई भी वेराइटी जो है वो नवीन तभी मानी जाती है जब तक कि रजिस्ट्रेशन का प्रार्थना पत्र देने की तिथि तक या फिर उससे पहले व्यापारिक या व्यवसायिक शोषण उसका ना किया गया हो, पहले से वो किसी के द्वारा यूज ना की गई हो। इसके अलावा नेक्स्ट कैरेक्टर होना चाहिए उस वेराइटी में डिस्टिंक्टनेस यानी कि भिन्नता। कोई भी न्यू वेराइटी डिस्टिंक्ट तभी मानी जाती है जब कम से कम एक आवश्यक लक्षण किसी अदर वेराइटी से अलग होगा। इसके अलावा उस पर्टिकुलर वेराइटी में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए यानी कि क्रॉप वेराइटी के लक्षण ब्रीडिंग प्रोसेस के उपरांत समान रहें। एंड लास्ट जो कैरेक्टर है जो उस पर्टिकुलर वेराइटी में होना चाहिए पीपीवी एंड एफआर एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाते समय, वो है स्टेबिलिटी। न्यू वेराइटी स्टेबल तब कहलाती है यदि कई बार प्रजनन के बाद भी उसके कैरेक्टर्स में परिवर्तन नहीं आते हैं, वो अपने कैरेक्टर्स को सेम बना के रखती है, चाहे उसको 5 to 6 या फिर कितनी भी जनरेशन तक उसको ग्रो किया जाए, उस वेराइटी में स्टेबिलिटी जो है वो बनी रहे। ये सब जो है वो एक पर्टिकुलर वेराइटी में पीपीवी एंड एफआर एक्ट के थ्रू रजिस्ट्रेशन करवाना है तो ये कैरेक्टर्स उसमें होने चाहिए। अगर हम नोवेल्टी को छोड़ते तो डिस्टिंक्टनेस, यूनिफॉर्मिटी और स्टेबिलिटी का जो टेस्ट है उसे हम DUS डस्ट टेस्ट के नाम से भी जानते हैं।